एमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आंध्र प्रदेश की आदिलाबाद पुलिस ने ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। आदिलाबाद के निर्मल थाने की पुलिस ने खुद से संज्ञान लेते हुए यह केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। दूसरी ओर हैदराबाद की अदालत में भी ओवैसी के खिलाफ दो शिकायतें की गई हैं। ओवैसी ने पहले निजामाबाद और फिर आदिलाबाद में भड़काऊ भाषण दिया था। तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको सुनाते हैं। तरह का भाषण दिया गया है और शुद्ध रूप से वो तालिबानी मानसिकता के साथ है, वो राष्ट्रद्रोही मानसिकता का भाषण है और ऐसे भाषण का समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। समाज के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश है, देश में नफरत पैदा करने की कोशिश है, नफरत का जहर फैलाने की कोशिश है और इस ये कोशिश किसी और ने नहीं की है बल्कि कांग्रेस पार्टी और यूपीए के एक महत्वपूर्ण सहयोगी द्वारा किया गया है और इस तरह का वो लगातार इस तरह की चीजें करते रहे जिससे कि समाज में जहर पैदा हो, समाज के सौहार्द में नफरत का माहौल पैदा हो। इसलिए फौरन तत्काल कड़े से कड़े कार्रवाई करनी चाहिए। त्रिवेदी है और राजनीतिक पार्टी है शिवसेना, हम भी कभी कभी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ऐसी भाषा नहीं देश तोड़ने की या किसी धर्म के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ। अगर असीम त्रिवेदी को आप देशद्रोही बनाते हो, उसको जेल में डालते हो तो यह आपका कौन लगता है? ओवैसी तो मुझे लगता है आपकी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति आप संभालना चाहते हैं और आप उसको बढ़ावा देना चाहते हैं।